मेरी पिज्जा की तो रेसिपी देख ली है, उसमें जो मैंने पिज्जा सॉस यूज किया है दैट इज नॉट रेडीमेड, उसको मैंने खुद ही बनाया है घर पे। और यकीन मानिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, अगर आप बाहर लेने जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे, और अगर मिल गया तो यू विल थिंक यार इसको कितना हमको यूज करना चाहिए। सो बेटर है कि यू कैन मेक इट एट होम और बच्चे भी इसको आराम से खा सकते हैं, और इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे। होम मेड मीन्स यू कैन मेक इट फ्रेश एंड यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको बना के रख सकते हो। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप उसको बेटर है कि जितनी ज़रूरत है उतना बनाइए और उसको यूज़ कीजिए, सो दैट विल बी द बेस्ट आइडिया, और 1 वीक के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड नाउ सी हाउ टू मेक इट। थैंक यू फ्रेंड्स। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने 6 टमाटर लिए हैं जिनको आधा आधा काट लिया है, 2 अनियंस लिए हैं और 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, तो सर और हमने इसको बॉईल कर दिया है। सबसे पहले हम टमाटोज इसमें से अलग कर लेंगे और उनके छिलके निकाल देंगे। फ्रेंड्स अब मैं इसके छिलके अलग कर रही हूँ। अब जब बॉईल करते हो तब आपको पता पड़ जाएगा कि इसके छिलके थोड़े से अलग होने लग गए हैं, तब आप गैस बंद कर सकते हो और एकदम आसानी से इसको ठंडा होने के बाद ही इसके छिलके निकालिएगा, एकदम आसानी से निकल जाएंगे, इट वॉन्ट टेक दैट मच टाइम। और मैंने इसमें इन सारे टमाटरों की प्योरी बना ली है, ये देखिए अब मैं इसको मिक्सी में डालने जा रही हूँ। मैंने सारे टमाटर की प्योरी बनाई है, आप चाहो तो इसमें से 1-2 टमाटर कट कर सकते हो एकदम बारीक। इसमें अब हम बॉइल्ड अनियन एंड गार्लिक क्लोव्स डाल देंगे एंड वी विल ग्राइंड इट। अब हम एक पैन में लगभग 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे, उसमें गार्लिक क्लोव्स मैंने 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स लिए, उसको चॉप किया है, और 1 चॉप्ड अनियन बहुत ही बारीक तरह से काटा है, उसको भी मैंने चॉप्ड अनियन डालेंगे हम इसमें नाइसली, ये जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए उसको आप अच्छे से स्टर कीजिए। Now we'll add tomato puree in it. टमाटो की प्योरी डाल देंगे हम और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आता हमें उसको गर्म करना है। ये देखिए अभी इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें लगभग 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे, आप चाहो तो इसमें बॉइल्ड वाटर भी डाल सकते हो। स्टर इट नाइसली। ये मैंने सॉल्ट लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ऑरिगैनो, रेड चिली पाउडर मैंने 1/4 टेबलस्पून जितना लिया है, शुगर 1/4 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1/4 टेबलस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। नाउ विल स्टर इट नाइसली एंड पुट अ लिड ऑन इट। इसको हम ढक कर कम से कम 10 से 15 मिनट तक गर्म होने देंगे, मीडियम से थोड़ा स्लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें केचप ऐड करेंगे, टमाटो केचप, ये मैंने लगभग 1/4 कप जितना लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आप देख सकते हो इसमें से पानी लगभग पूरा जल चुका है।
अब इसको हमें थोड़ी देर खुला रख के ही गरम करना है और उसमें हम बटर ऐड करेंगे। ये हाफ टेबल स्पून जितना बटर मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे से स्टर कीजिए और 5 से 10 मिनट तक आप इसको रख सकते हो स्लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से थोड़ा सा घी बटर अलग ना होने लगे। Look at this, how nicely it has come out. इसमें से देखो बटर भी थोड़ा अलग होने लग चुका है। और अगर आप चाहो कि उसको थोड़ा सा लिक्विड रखना है तो आप उसके हिसाब से उसको थोड़ा पहले ही बंद कर सकते हो स्टोव को। देखिए कलर इज सो नाइस। बाद ये हमने स्टोव बंद कर दिया है। लुक एट दिस कंसिस्टेंसी। अब हम इसको बोल में निकाल देंगे। इट्स रेडी टू सर्व। ये ठंडा करके पिज्जा बेस पर लगाएंगे।